दोस्तों, अगर आप एक नई यूट्यूबर हो, आपने बड़ी मुश्किल से 10,000 व्यूज का माइलस्टोन पूरा किया है और अब आप चाहते हैं आपकी वीडियोस मोनेटाइज हो जाए, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, पर अब नए रूल के अकॉर्डिंग आपको 4,000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए आपकी वीडियोस पे टोटल मिला के 1 साल के अंदर, तभी आप अपने चैनल को और अपने वीडियोस को मोनेटाइज कर सकेंगे। तो कैसे क्रैक करें इस माइलस्टोन को और क्यों आखिर यूट्यूब ये बीच में लेके आया 4,000 आवर्स का वॉच टाइम, सब कुछ जानेंगे बिल्कुल रीजन के साथ साथ, पूरा एनालाइज करेंगे इस चीज को। तो सब चीज जानेंगे इस वीडियो में हम। देखते रहे इस वीडियो को मेरे साथ, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं टैकी टीवी। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे कहना चाहूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आप VIP बन सके और सबसे पहले पा सके हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस। दोस्तों, 2011 से मैं यूट्यूब से जुड़ा हुआ और यूट्यूब पे एज अ व्यूअर था जब, और 2013 से मैं नए नए चैनल बना चुका हूँ यूट्यूब पे और काफी चीजें मैं शेयर कर चुका हूँ और मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है जो आपसे शेयर करूँ, क्योंकि 2011 के बाद से जैसे जब से मैं यूट्यूब देख रहा हूँ तब की बात करूंगा, ऐसा डिसीजन तब ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजन मैं बोलूँ नहीं आते थे। ये आप थोड़ा एनालाइज करेंगे तो जब से जियो आया है और काफी यूजर यूट्यूब पे आ गए हैं, तब से ये रिस्ट्रिक्शन भी काफी ज्यादा आ गई है। अभी यूट्यूब थोड़ा कंफ्यूज था, 10,000 व्यूज का उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जब उससे पहले आपका चैनल और आपकी वीडियोस मोनेटाइज नहीं होगी, और ये बढ़ा चुके हैं 4,000 आवर्स का, ये मैं मानता हूँ काफी ज्यादा है। और मेरे चैनल का खुद मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मेरे चैनल का भी नहीं है अभी तक 4,000 आवर्स का वॉच टाइम, करीबन करीबन 2,000 आवर्स का है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जो आगे होगा मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करके बस बता रहा हूँ डाटा क्या क्या हो सकता है और क्यों ऐसा हुआ है। दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ, आपके दादा परदादा आपको बता दे होंगे पहले जमाने में झूठ और फरेब काफी कम हुआ करते थे, क्योंकि लोग काफी कम थे और आज के जमाने में हर कोई एक दूसरे आगे निकलना चाहता है क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ चुकी है। तो सेम चीज यूट्यूब पे होती है, यूट्यूब पे जब से जियो आया है तो काफी यूजर जुड़ चुके हैं, खासकर इंडिया में ऐसे लोग, और अब लोग चाहते हैं एक दूसरे से आगे बढ़े जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी शॉर्टकट है, झूठ फरेब कुछ भी वीडियो बना के, उल्ट सुल्ट वीडियो बना के, आप देखते होंगे ट्रेंडिंग में कभी कभी इस तरीके की वीडियो देखने को मिल जाती है, ऐसी वीडियो से बना के आगे निकल सके। और अगर आप एक एडवर्टाइजर है तो आप ऐसी वीडियोस पे अपनी एड नहीं देना चाहेंगे। मान लीजिए कोई कुछ किसी का कुछ मर्डर कर रहा है, कुछ गलत चीजें कर रहा है, ऐसे में आपके कोई कपड़े की दुकान की ऐड है, मान लीजिए किसी की भी चीज की ऐड है आ जाती है, और ऐसे में क्या करेंगे आप? ऐसे में कोई व्यूअर जब वो वीडियो देख रहा होगा तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेगा, वो सीधा जाएगा कि क्या ये वीडियो में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी चीजें खतरनाक सी चीज चीजें हैं या थोड़ी अजीब सी चीजें हैं, उसका इंटरेस्ट उस चीज में, आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी नेगेटिव ही मच जाएगी, क्योंकि जो कंटेंट है वीडियो का काफी नेगेटिव चीज है, थोड़ा गलत चीजें हैं गाइस। तो ऐसा कहता है यूट्यूब कि ये चीज रोकने के लिए हमने बड़े बड़े स्टेप लिए हैं, जैसे पहले 10,000 व्यूज का रिस्ट्रिक्शन आई थी और अब 4,000 आवर्स का रिस्ट्रिक्शन जो आ गई है। तो मैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि जो पहले से यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, जो ऐसे बेकार बेकार कंटेंट यूट्यूब पर डालते हैं, उनके तो मिलियंस में व्यूज आते हैं गाइस, उसमें आप 4,000 आवर्स क्या क्या, उसमें तो हजारों और ज्यादा आर्ट्स वो कमा चुके होंगे और उनके वॉच टाइम काफी ज्यादा होगा, तो वो चैनल तो वैसे ही सेफ है। और अगर कोई इंसान जेनुइन कंटेंट बना के, ओरिजिनल कंटेंट बना के, उसके व्यूज मान लीजिए 1,000 2,000 आते हैं, और उसके वॉच टाइम मान लीजिए इतना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1,000 2,000 में आप नहीं कर सकते। आपको मैं बताऊंगा आगे क्या होना चाहिए जो आप इस माइलस्टोन को क्रॉस कर सके अगर आप नए चैनल हैं। तो दोस्तों, उन चैनल का तो पहले से ही सब कुछ हो चुका है, क्योंकि वो तो पहले सेफ जोन में है, और अगर कोई नया यूट्यूबर आता है यूट्यूब पे और अपना चैनल बनाता है, बड़ी मुश्किल से 10,000 व्यूज का, चलो मान लीजिए वो ठीक था, 10,000 व्यूज का माइलस्टोन क्रॉस कर लेता है और अब चाहता है वो मोनेटाइज कर सके, और अब नई चीज लेके आ जाती है, वो है 4,000 आवर्स का वॉच टाइम, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सी चीज हो गई गाइस, क्योंकि उनके लिए इतनी जल्दी नहीं है, ऐसी कोई भी वो ऐसा कंटेंट नहीं बना सकती, वो ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं और पूरी मेहनत करके वो चीज कर रहे हैं, कोई इधर का माल उधर करा, इधर का माल उधर करा, ऐसे जोड़ के आपको कुछ लिया है, ऐसा नहीं कर रहे। तो काफी चांस थे उनको बड़ो स्लो स्लो वॉच टाइम ग्रो होगा, क्योंकि मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको, आप किसी घर जाते हैं गाइस, तो आप क्या पहले दिन ही उसके घर में 4 दिन बिता लेते हैं? नहीं, पहले आप उसके घर में विजिट करेंगे, कुछ टाइम देखेंगे कैसा वो इंसान है, और उसके बाद जब अगली बार उसके घर में विजिट करेंगे तो आप शायद थोड़ा सा ज़्यादा देर तक रुके। तो ऐसे ही कोई पहली वीडियो आप यूट्यूब पे देखते, जो पहली बार अपना कंटेंट अपलोड कर रहा है, तो शायद आप उसकी वीडियोस पूरी ना देखें, क्योंकि आपको इतना ट्रस्ट नहीं है, वो पहली बार आपके सामने आया है, और अगर आप उस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आप शायद उसकी वीडियोस, आप शायद उसको पसंद करते हो और आपको उसकी वीडियोस पसंद आए,
तो आप उसकी वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं, पर पहली बारी में ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। तो 4,000 व्यूज का वॉच टाइम आप खरीद तभी गेन कर सकते हैं, मैं क्लियरली बोलूँ, अगर आपकी वीडियो वायरल होती है। तो साफ साफ जो 4,000 ऑर्स का जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई, साफ ये सब कुछ डिपेंड करता है अगर आपका आपकी वीडियो यूट्यूब वायरल करता है या नहीं। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है यूट्यूब पे। अगर आप कंटेंट अच्छा बनाते हैं, ये सब पे डिपेंड नहीं होता कि कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है। आप जानते होंगे कि कंटेंट अच्छा बनाइए, ये करिए वो करिए, तो ऐसा नहीं होता। कौन सी वीडियो वायरल हो जाए कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इतनी गंदी गंदी चीज़ें वायरल हो जाती है। तो खैर वो चीज़ तो इस में निकाल देते, क्योंकि हम और आप बिल्कुल सही कंटेंट बनाते हैं, और मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो भी जरूर वायरल होगी, क्योंकि आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मैं आपको कहना चाहूँ कि आपकी वीडियो पक्का वायरल होगी और आप एक बड़े यूट्यूबर बनेंगे। तो अब हार मत मान लीजिए, हार मानने के लिए जो चीज़ बनाई गई है अभी, तो डीमोटिवेट होना चाहिए जिनको, वो उनके लिए जो गलत कंटेंट अपलोड करते हैं। गाइस ये उनके लिए, अगर आप अभी डीमोटिवेट हो जाएंगे तो आप उसी कैटेगरी में आएंगे कि आप गलत कंटेंट बनाते हैं, तो आपको वो लोग उसी से देखेंगे, गलत कंटेंट बनाता होगा इसने, इसलिए वीडियो डालने छोड़ दी, क्योंकि सब कुछ कुछ भी ओरिजिनल नहीं था। और जिसे लोग बता रहे हैं कि जो टर्म कंडीशन नई अपडेट हुई है, ये उनके लिए है जो गलत कंटेंट बनाते हैं। और अगर आपने ये चीज़ बनानी छोड़ दी जो आप ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, तो आप भी उसी कैटेगरी में चले जाएंगे और आपको भी एक गलत नज़र से देखा जाएगा। तो आप अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखिए, आप अपने चैनल को कंटिन्यू रखिए, और आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी। सर सर बोल रहा हूँ मैं आपको, आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो आपका सब कुछ डिपेंड करता है अब यूट्यूब पे। अब आपके पास नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाइए। वॉच टाइम आप 10 मिनट की वीडियो बनाएं, कौन आपका नया बंदा आके 10 मिनट की वीडियो देखेगा? काफ़ी कम चांसेस है गाइस। आपकी वीडियो पूरी डिपेंड करता है आप वायरल होगी या नहीं। तो कुछ टॉपिक लेके आइए। अब मैं इसमें क्या बोलूँ कि मैं आपको बोलूँ कि इस तरह की वीडियो बनाएगी, काफ़ी वीडियोस ऐसी होगी यूट्यूब पे। आपको बस डिपेंड करता है आपका सब कुछ कि यूट्यूब आपकी वीडियो वायरल करेगा या नहीं। तो गाइस ये जो 4,000 आवर्स का वॉच टाइम था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ बनी, क्योंकि लोग जो इस तरह के कंटेंट बना रहे थे पहले से, वो पहले से सेफ जोन में है, और जो बीच में थे लोग, जो हम और आप जैसे जो अभी ग्रो ही करना स्टार्ट हुए थे, वो चीज़ में फंस चुके हैं। तो आप सबको डिपेंड करता है यूट्यूब अगर आपकी वीडियो वायरल करेगा या नहीं करेगा। पर मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, आप सभी लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी, कोई ना, क्योंकि आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी वीडियो पक्का वायरल होगी। और आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट होते हैं तो आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे कि आप गलत कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जैसे कि आपने आखिर तक देखा है, और लाइक जरूर करिए इस वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस तरीके चैनल चलाते हैं। और मुझे उम्मीद है अगर आप कमेंट करेंगे तो आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी, और अगर आप शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी दुआ जरूर लगेगी। एक इंसान की दुआ भी काफ़ी अहमियत करती है, अगर आपको वीडियो वायरल करनी है। अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो हमारे चैनल पे ऐसी आने वाली है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं, फिर जाके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यही होती है इस वीडियो की एंडिंग, और मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका कंप्यूटर हैक होने वाला है उस वायरस के वजह से।